ये जो आप ये जैकेट देख रहे हैं ये फैशन में बहुत है आजकल, और अक्सर आपने देखा है कि कई वीवीआईपी डिग्निटरीज जो हैं वो भी इस तरह की जैकेट पहनते हैं, लेकिन अब ये जैकेट जो है वो स्टाइलिश के साथ साथ बुलेट रेसिस्टेंट वेस्ट बन गई है, यानी कि गोलियां तक ये जो जैकेट है वो रोक सकती है। इसे तैयार किया है कंपनी ने, और जो प्रगति मैदान में पुलिस एक्सपो लगा हुआ वहाँ पर इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ कुलदीप जी, कुलदीप जी इस जैकेट की क्या खासियत है? यहाँ लिखा है बुलेट रेसिस्टेंट वेस्ट, तो क्या माने गए बुलेट प्रूफ जैकेट है? या बुलेट प्रूफ तो कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है, बुलेट रेजिस्टेंट होता है, दे कैन यू नो स्टॉप अप टू सम नंबर ऑफ शॉट्स, नथिंग कैन बी बुलेट प्रूफ, तो वी कैन कॉल इट बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट बिकॉज दिस इज यू नो काइंड ऑफ जैकेट स्टाइल एंड इट इज़ फॉर 9x19mm प्रोटेक्शन, जो कि जो छोटे रिवॉल्वर्स एंड पिस्टल्स होते हैं उससे ये गोली बचाने के लिए। अच्छा, क्या कोई रेंज है कि एग्जैक्ट रेंज से गोली मारी जाए तो उसको रोक वी हैव टेस्ट वी हैव टेस्टेड इट फॉर यू नो अप टू डिस्टेंस ऑफ 5 meters फ्रॉम वी हैव टेस्टेड इट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 5 meters वी हैव फायर्ड सो इट कैन स्टॉप बुलेट्स अप टू दैट। अच्छा अच्छा, BIS लेवल 1 जो होता है जो स्टैंडर्ड होते हैं, या NIJ लेवल 3A है, उसमें जिस टाइप के स्टैंडर्ड में टेस्टिंग है वो हमने कर रखा है इस पर। अच्छा, आमतौर पर जब देखा है जो इस तरह की जैकेट्स होती हैं, बुलेट प्रूफ कहिए बुलेट रेसिस्टेंट कहिए, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका वेट कितना होगा? ये वेरी लाइट वेट है, 2.8 kg ओनली, इट हैज़ बीन मेड विथ यू नो वेरी हाई क्वालिटी बैलिस्टिक मटेरियल, और आप इसका कवरेज एरिया आप देख लो तो काफ़ी कवरेज एरिया बहुत ज़्यादा है, यू नो फ्रॉम द शोल्डर टू दी यू नो नेक पोर्शन एंड मतलब ये यहाँ तक भी। अदरवाइज जो सोल्जर्स के लिए जो बुलेट रेजिस्टेंट वेस्ट होता है वो सिर्फ आपका यू नो लाइक वेस्ट शेप में ही रहता है, तो उनका कवरेज एरिया कम रहता है, बट इनका कवरेज एरिया मीन्स काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, तो इसके लिए क्या कोई खास मटेरियल है या किसी भी कलर में अवेलेबल है, और मार्केट में कब से अवेलेबल हो जाएगी? सो वी हैव यूज्ड यू नो अल्ट्रा हाई मोलेक्युलर वेट पॉलीथाइलिन, जो कि हाई डेंसिटी हाई मोलेक्युलर वेट पॉलीथाइलिन होते हैं, बैलिस्टिक मटेरियल होता है, वी हैव यूज्ड दैट, और ये कस्टमाइजेबल है, किसी भी साइज में बन सकता है और किसी भी कलर फैब्रिक में। फॉर दिस वी हैव यूज्ड रेमंड फैब्रिक, बट इट कैन बी मेड एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। मार्केट में कब से आ जाएगा? एज सून एज वी गेट द रिक्वेस्ट, बिकॉज ये तो साइज पे डिपेंड करेगा, बल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, एज सून एज वी गेट द रिक्वेस्ट वी कैन प्रोवाइड इट, वी हैव द मटेरियल एंड ऑल। जो बिल्कुल, देखिए कुलदीप ने बताया कि ये जैसे ही डिमांड पर तैयार कराया जा सकता है, हर कोई अपने साइज़ के हिसाब से इसे तैयार करवा सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि इसका कवरेज एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है, बॉडी को चारों तरफ से इसने कवर किया हो, शोल्डर से लेकर चाहे वो बैक हो और फ्रंट में स्टम से नीचे पूरे को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।